मैजिकल फूड व्हील। शादाब के गांव में अंग्रेज शराब दुकान कहकर एक दारू की दुकान था। उस दुकान का मालिक का नाम था सरकार। वो बड़ा रोड़ी था। उनकी गोदाम में दारू मिलावट करता था और उसे लोगों को बेचकर अच्छा पैसा कमाता था। हर महीना उनके दुकान को आए पुलिस वालों को और सरकारी अफसरों को रिश्वत देता था। एक दिन एक शॉप के पास एक वैन को दिखाते हुए, मेरे प्यारे शराबी दोस्त लोग, पियो जी और ज्यादा पियो। देखा है आपने, मैंने आप लोगों के लिए इतना सारा सुविधाओं का इंतजाम किया। वो टॉयलेट, वो वॉश बेसिन, ये सब आपके लिए ही है। धत तेरे की, इसे टॉयलेट बोलते हैं क्या? इसकी बदबू से पिया हुआ नशा पूरा उतर जा रहा है दरिंदर कहीं के। पहले ये बोलो कि ये वैन क्या है और इसका कहानी क्या है। ये हमारा होम डिलीवरी वैन है। ये 100% फ्री है। पीकर गिरने का जिम्मेदारी आपका है और पीकर गिरने वालों को ठीक घर पहुंचाने का जिम्मेदारी हमारा है। बिल्कुल सुरक्षित आपको घर पहुंचा देते हैं। पीकर गिरो और फ्री डिलीवरी वैन में घर चले जाओ। तब सब पीने वाले वाह सरकार कहकर तालियां बजाए। उनके शॉप में छोटू कहकर एक छोटा सा लड़का काम करता था। पिता के मरने के वजह से उनकी माँ घर के पास ही सिलाई का काम करती थी। रात के समय पर छोटू पढ़ाई भी करता था। दुकान के पास भी जब भीड़ नहीं रहता था तब भी पढ़ता था। एक रात छोटू की माँ छोटू से, देखो बाबू छोटू, मेरे बात सुनकर उधर काम करना छोड़ दो। ऐसे रातों में पढ़ाई किया तो तुम्हारा सेहत खराब हो जाएगा। हे भगवान, इतने छोटे बच्चे से काम करवा रही हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ तुम दुखी मत होना, तुम्हारे कमाई हमारे लिए काफी नहीं होता है ना माँ। उस दुकान में वेतन के साथ कुछ लोग टिप्स भी देते हैं माँ। बाहर कई और काम किया तो इतने पैसे नहीं मिलते हैं माँ, जरा समझो। ऐसे छोटू उस दारू की दुकान में पीने वालों को एक ट्रे में दारू, सोडा और खाना सप्लाई करता था। लोग उनको टिप्स भी देते थे। एक दिन वो कस्टमर्स है कहकर भूल गया और पढ़ाई करने लगा। उसे देखकर सरकार को बहुत गुस्सा आया। सरकार छोटू के पास आकर एक थप्पड़ मारा। क्यों रे बच्चे कहीं के, कस्टमर्स नहीं दिख रहे हैं क्या? पूरा बदन पर घमंड चढ़ गया है क्या? सॉरी भैया, मैं नहीं देखा, अगले बार ऐसे नहीं होगा, मैं देखता हूँ। तुम क्या दिखाओगे और मैं क्या देखूं? बड़ा होकर कलेक्टर बनेगा क्या? अगले बार तुम्हारे हाथ में किताब दिखाई दिया तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, खबरदार। जाओ जाकर गोदाम के पास गिरी को बुला कराओ। तब बेचारा छोटू रोते हुए गोदाम के पास गया। उधर गिरी और कुछ लोग मिलकर दारू में मिलावट करते हुए दिखाई दिए। बाद में छोटू सरकार के पास आकर, सरकार भैया तुमको पता भी ना हमारे गोदाम में कुछ चल रहा है भैया। वो गिरी भैया दारू को मिलावट कर रहा है। अगर वो मिलावट वाला दारू पिया तो कस्टमर्स का सेहत खराब हो जाएगा ना, इसलिए ये बात आपको बोल रहा हूँ। अरे ओए, तुम तो कुछ ज्यादा ही कह रहे हो रे। लगता है तुम बहुत खतरनाक बन रहे हो मुझे। वो दारू में मिलावट मेरे कहने से ही कर रहे हैं। ये शराबी तो किसी ना किसी दिन मर जाएंगे। अगर मिलावट किया तो थोड़ा पहले ही मर जाएंगे, फर्क कितना ही है। ये बात किसी और को नहीं बोला ना? नहीं भैया, आपको ही बोला, लेकिन आप ऐसा करना गलत है ना, थोड़ा सोचिए भैया। सरकार उनको खींच कर एक थप्पड़ मारा। अरे वही छोटू, तुम अभी बाहर निकलो, आज से तुमको यहाँ काम नहीं है और गांव में भी तुम्हें काम नहीं मिलेगा, ऐसा करता हूँ। ये मिलावट दारू के बारे में किसी को भी कहा तो तुम और तुम्हारे माँ को जान से मार दूंगा, जाओ, कहकर चिल्लाया। तब छोटू उधर से रोते हुए चला गया। बाद में गांव में किसी से भी पूछा तो उनको कोई भी काम नहीं दे रहे थे। बेचारा बगल वाले गांव में काम ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। तब अचानक एक पहिया छोटू के पीछे आई। छोटू उसे नहीं देखा। छोटू उसे देखा बिना जा रहा था तो वो पहिया छोटू के पीछा करने लगी। छोटू उसे देखकर रुक गया तो वो पहिया भी रुक गई। तब वो पहिया, बाबू छोटू, मैं एक मायावी चक्र हूँ, मेरे ऊपर कुछ लगाकर घुमाया तो उसका बिरयानी बाहर निकलेगा। प्रणाम माँ, एक आदमी के वजह से गांव में मुझे कोई भी काम नहीं दिया, इसलिए दूसरा गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाने दो।
मेरे होते हुए तुमको काम करने की क्या जरूरत है छोटू, तुम एक अच्छा सा होटल लगाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। छोटू ठीक है कहकर उस पहिए को लेकर घर वापस गया। बाद में छोटू और उनकी माँ एक ढाबा शुरू किए। माँ टेबल के पास जाकर ऑर्डर्स लेती थी। अंदर आकर छोटू से एक चिकन बिरयानी, एक मटन बिरयानी ऐसे लिस्ट बोलती थी। तब छोटू एक मुर्गी को उस मायावी पहिया के ऊपर रखकर घुमाता था तो वो मुर्गी गायब होकर बिरयानी प्रकट होता था। ऐसे ही बकरा को रखकर घुमाया तो मटन बिरयानी। मछली को लगाकर घुमाया तो फिश बिरयानी और आलू को रखकर घुमाया तो आलू करी। ऐसे बहुत सारे आइटम्स उस पहिए से निकलते थे। लोग उसे खाकर बहुत अच्छा है कहते थे। ऐसे वे बहुत कम समय में बहुत कमा लिया। छोटू एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया। एक महंगा गाड़ी को खरीद कर ड्राइवर लगाकर उनकी माँ को घुमाता था। ये सब देखकर सरकार हैरान हो गया। इस छोटू को इतने पैसे कहाँ से मिले? परसों तक तो उसके पास खाने के लिए भी नहीं था, अब ये कार और बंगला, कुछ तो राज है। सोचा हर दिन छोटू क्यों में खड़े हुए भिखारियों को खाना देता था, कुत्तों को भी बिरयानी खिलाता था। एक दिन सरकार उनकी होटल के खिड़की से चुपके से देखने लगा तो माँ ऑर्डर्स लेकर अंदर आकर छोटू से बोली और छोटू उस मायावी पहिए से उस चीज को निकालते हुए देखकर हैरान हो गया। बाद में सरकार उस पहिया को चुरा कर उनके दुकान के सामने रखा। ए सरकार भाई, ये पहिया क्यों लगाया है इधर? दारू पीकर चक्कर नहीं आने वालों को इस पहिया के ऊपर घुमाएगा क्या? मैं चढ़ूं क्या इसके ऊपर? अबे ओए, ऐसा मत करो, ह्यूमन बिरयानी बन जाओगे। ये एक मैजिकल फूड व्हील है, इसके ऊपर कुछ लगाकर घुमाया तो उसका बिरयानी निकलेगा। आज से आप लोगों को बहुत कम दाम में ही चिकन और मटन और क्या चाहिएगा वो तैयार हो जाएगा। भाई हम पिए हैं या तुम पिए हो समझ में नहीं आ रहा है, हम तो शराबी है लेकिन तुम्हारे बकवास सुनने का इतना बेवकूफ तो नहीं है भाई। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये देखिए। कहकर उसके ऊपर एक मुर्गी को लगाकर उस पहिया को घुमाया, बस उसके अंदर से जंगली जानवर बाहर निकले। ऐसे वे जानवर उनके पीछे पड़े। तब सब लोग डर के मारे उधर से भागने लगे। तब वो मैजिकल फूड व्हील घूमते हुए अपने आप छोटू के पास पहुंच गया। वाटर साइकिल बोट मेकिंग। मजुली के गांव में बच्चों को स्कूल जाने के लिए एक नदी पार करके जाना चाहिए था। रोज एक नाव में बैठकर वे बच्चे नदी पार करते थे। वो नाव चलाने वाला बहुत बूढ़ा आदमी था, उसका नाम था शांताराम। स्कूल में उस गांव का जमींदार का बेटा नंदू और एक किसान का बेटा पाचू भी पढ़ते थे। पाचू क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था और नंदू सेकंड प्लेस में आता था, इसलिए नंदू को पाचू के ऊपर बहुत ईर्ष्या द्वेष बढ़ गया था। एक बार स्कूल में टीचर एक खड़े हुए विद्यार्थी को दिखाते हुए, बच्चे ये लड़का हमारे कक्षा में नया ज्वाइन हुआ है, नाम है अनंत। अनंत खेलों में जिले में प्रथम स्थान पर आया, रनिंग रेस में गोल्ड मेडल भी पाया, वेलकम टू आवर स्कूल अनंत। तब सारे बच्चे तालियां बजाए थे। एक दिन टीचर, बच्चों अगले हफ्ते होने वाला स्पोर्ट्स कंपटीशन में जिसको भी भाग लेना है वो आकर अपना नाम रजिस्टर कीजिए, ऑल द बेस्ट टू यू किड्स। ऐसे बच्चे लाइन में खड़े होकर अपना नाम को रजिस्टर करने लगे। प्रतियोगिता के दिन बच्चे आकर उस नाव में चढ़ने लगे, लेकिन शांताराम अनंत को रोक कर, देखो बेटा नाव में खाली नहीं है, आज के लिए तुम्हें स्कूल की छुट्टी है, घर चले जाओ। क्या हो गया दादू, रोज तो नाव में चलाते हो, आज क्या हो गया है? रे कहने से समझ में नहीं आता है क्या? नाव में वजन बढ़ गया तो नदी में डूब जाएगी और सबका जान जाएगा, तब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दादू तुम चलाओ, हमें देरी हो रही है।
दादू दादू रुको, आज अनंत को डाउट प्रतियोगिता है, उसको जरूर उसमें शामिल होना है। चाहिए तो उसके लिए मैं उतर जाता हूँ, उनको लेके जाइए। अबे चुप कर, बीच में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? बड़ा पिस्ता जैसे बातें करते हो। नाव में किसको चढ़ाना है और किसको उतरना है दादू को मालूम है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। दादू तुम चलो। ऐसे नाव निकल गया तो बेचारा अनंत बहुत रोने लगा। उस दिन नंदू दौड़ प्रतियोगिता में पहले आकर मेडल जीत लिया था। एक दिन नदी के किनारे पर नंदू और शांताराम को बात करते हुए पाचू ने देखा। दादू ये लो पैसे, परसों से हमें फाइनल एग्जाम है, उनमें पाचू पहले रैंक में आएगा, इसलिए उनको तुम्हारा नाव में मत चढ़ाना। उस आनंद को जैसे रोका, इस पाचू को भी रोकना चाहिए। एक एग्जाम मिस हो गया तो फेल हो जाएगा, तब मैं ही फर्स्ट रैंक में आता हूँ। बेटा नंदू ये बहुत पाप है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेरे दरिद्रता मुझसे ये काम करवा रही है। दादू टीवी सीरियल की तरफ बातें मत करो, तुम्हें कभी भी पैसों की जरूरी हो तो मैं हूँ ना देने के लिए, कितना चाहिए उतना देता हूँ, ठीक है? उनके बातों को सुनकर पाचू को नंदू की चाल के बारे में पता चल गया था। बाप रे, नंदू इतना कमीना है कहकर मालूम नहीं चला। कुछ भी होने दो, मैं परीक्षा लिख के ही रहूंगा, कुछ प्लान सोचना होगा, कहकर सोचने लगा। ऐसे पाचू उनके घर के पास एक साइकिल को खाली वाटर टैंक्स को लगाकर एक साइकिल बोट को तैयार किया था। अगले दिन पाचू स्कूल के लिए नदी के किनारे को पहुंचा। देखो बेटा नाव में खाली नहीं है, आज तुमको स्कूल की छुट्टी है, घर चले जाओ। मैं नाव में चढ़ने के लिए नहीं आया हूँ दादू, आज से मैं नाव नहीं चढ़ूंगा, ये कहने के लिए आया हूँ। रे क्या बक रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नाव में नहीं चढ़ने के लिए क्यों आकर कहते हो? बिना नाव में चढ़कर भी मैं स्कूल जाता हूँ, ये कहने के लिए आया हूँ। नाव में चढ़े बिना इस नदी को कैसे पार करोगे रे? तैर करके पार करोगे क्या? ऐसे मत करो, बहुत खतरा हो सकता है बेटा, मेरे बात सुनकर कृपया करके तुम घर चले जाओ बेटा। दादू तुम्हारा मन अच्छा है ये मुझे मालूम है, लेकिन ये नंदू इतना कमीना है कहकर नहीं सोचा था, परीक्षा में मुझे फेल करने के लिए बोट में नहीं चढ़ने के लिए नाटक कर रहा है, इसलिए मेरा प्लान मैंने बनाया, कहकर जोर से एक सीटी मारा। तब अनंत बोट साइकिल को चलाते हुए उधर आया, उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए थे। अबे ओ नंदू, तुम्हारा वजह से मैं दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाया, लेकिन पाचू बहुत होशियार है, ये देखो ये साइकिल बोट को बनाया। प्रतियोगिता जो भी हो उसमें ईमानदारी से हिस्सा लेकर जीतना है, ऐसे धोखा देकर नहीं। नीच नंदू कही के कहकर उसे डांटा। ऐसे वो नाव निकल गया तो पाचू भी उनका साइकिल को नाव के बाजू में चलाने लगा। एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से लिखे थे। आखिरी एग्जाम के दिन नाव के पास शांताराम नंदू से, बेटा नंदू पैसों की लालच दिखाकर तुमने मुझसे बहुत गलत काम करवाया था, एक एग्जाम नहीं लिखा तो फेल करेंगे कहकर मुझे मालूम था, मेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए अब वक्त आ गया है बेटा, इसलिए तुमको ये आखिरी एग्जाम लिखने नहीं देता हूँ, आज मेरे नाव में तुम्हें नहीं चढ़ने देता हूँ, तुम परीक्षा में फेल हो जाएगा ना तब तुम्हें असली दर्द का एहसास होगा, जाओ जाओ आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है, घर चले जाओ। और नाव को लेकर निकल गया। पाचू भी अपना बोट साइकिल पर चलने लगा और उसे देखकर नंदू सर पकड़कर रोने लगा।